इस वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो गई थी, सो वी हैव डिवाइडेड द वीडियो इन टू पार्ट्स। अगर आप फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं तो मस्ट वॉच सेकंड पार्ट एज वेल। अगर आप सेकंड पार्ट देख रहे हैं तो इससे पहले फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए, बोथ द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। एट्थ पॉइंट इज हैव कार इन कनाडा। अब इसमें बहुत अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, मेरा व्यू बड़ा क्लियर है। अगर आपके पास कार है यहाँ कनाडा में और आपको उसके लिए इंडिया से पैसे मंगवाने भी पड़ते हैं, 5-6-10 हजार डॉलर मंगवाने पड़ते हैं, $10,000 में एक डिसेंट कार कहीं भी मिल जानी चाहिए। और चाहे उसका खर्चा, आप अगर बहुत बुरी जगह पे रह रहे हैं जैसे कि ब्रैम्पटन, ब्रैम्पटन में मेरे हिसाब से कनाडा का सबसे ज्यादा इंश्योरेंस रेट है, तो आपका खर्चा 500-600 डॉलर हो जाएगा उस केस में कनाडा ब्रैम्पटन में कार रखने के लिए। उसकी जगह पे अगर आप उसके अलावा कहीं भी रह रहे हैं तो खर्चा आपका 200-250 डॉलर, $300 के आसपास होना चाहिए। अगर फिर भी अगर आप कनाडा में कार अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्ड मतलब पर मंथ अफोर्ड कर सकते हैं, एंड आप कार की इनिशियल पेमेंट भी कर सकते हैं, सीधे डाउन पेमेंट कर दिया आपने, तो कार इज ए लग्जरी इन कनाडा, क्योंकि आप उसके बाद जॉब करने कहीं भी जा सकते हो और जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाती हैं। We have a great visa success rate in mature cases where the age is above 30, 35, even age 40 as well. There are so many students who have already got visa with this type of complex cases. So to apply with me, ping me on WhatsApp or call me on my number. टैक्सी की तरह आप अपनी कार यूज कर सकते हो। आप किसी एक सिटी में रह रहे हो लेकिन आप क्लासेस लेने दूसरी जगह जाते हो, जैसे कि बच्चे क्या करते थे, ब्रैम्पटन से जाते थे मॉन्ट्रियल, वहां पे जाके क्लासेस लेते थे। ऐसे बहुत लोग करते थे जो रहते यहाँ पे थे ओंटारियो में और वहां पे क्लासेस लेते थे, या ओटवा में रहते थे क्लासेस लेते थे अपनी मॉन्ट्रियल में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ विक्टोरिया में पढ़ने के लिए आते हैं लेकिन रहते हैं वैंकूवर में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ फ्रेंड्स भी आते हैं। अगर उनके फ्रेंड्स आते हैं तो वो अपने फ्रेंड्स को साथ में ले जाते हैं, या वहां पे कम्यूट करने वाले जो लोग हैं उनको हर रोज लाना ले जाना। एंड इट इज नॉट काउंटेड एनी वेयर इन योर नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क। आप कार को टैक्सी की तरह यूज कर रहे हो, अनऑफिशियल टैक्सी की तरह यूज कर रहे हो, दैट इज वन गुड वर्क। सेकेंड थिंग इज आप ग्रोसरी लेने जाते हो, कहीं भी जाते हो, इतना टाइम बचेगा आपका हर हफ्ते, जिस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो किसी और चीज के अंदर, या अपने एंजॉयमेंट में ही यूज कर सकते हो, रिलैक्स करने में यूज कर सकते हो। आपका जितने पैसे लग रहे हैं सारे पैसे वापस आ जाएंगे आपके पास, जितने भी पैसे आपके लग रहे हैं। देन नेक्स्ट थिंग इज आप जॉब कहीं भी सर्च करने जा सकते हो। जो लोग अपने ही जोन के अंदर, ये भी अभी पॉइंट कवर करो, अपने ही जोन के अंदर जॉब कवर करते थे, वो लोग कहीं भी सिटी के बाहर जाओ जॉब की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। ये बहुत बार मैंने बताया है, बहुत बार कवर किया है इसको। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट जॉब जहां पे स्टूडेंट कम्युनिटी कम है, जहां पे स्टूडेंट्स कम रहते हैं, जहां पे बाहर आउटसाइडर्स कम रहते हैं, टेम्परेरी वर्कर्स कम रहते हैं, वहां पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज हमेशा सबसे ज्यादा होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रेंटवुड में रहता हूँ, छोटा सा गाँव है। इसके अलावा साथ में ही सिडनी है, यहाँ कोई कॉलेज नहीं है। एक और है डंकन है यहाँ पे, वहां भी कोई कॉलेज नहीं है। यहाँ कोई बच्चे नहीं जाते जॉब करने के लिए, यहाँ पे बाहर से लोग ही नहीं है, लोकल्स हैं, और जॉब की इतनी अपॉर्चुनिटीज जिसकी वो हद ही नहीं। सो मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज आर देयर। एंड एम्प्लॉयज ऐसे हैं जहाँ पे अनली काम करती है सापिनोज पिज्जा, उनकी एक ब्रांच डंकन में भी है, वहां पे एम्प्लॉयज हर महीने चेंज होते हैं, हर महीने पर एम्प्लॉयज चेंज होते हैं, कोई वहां रुकता नहीं, और वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज है। तो यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट, अगर कार है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पे आप ले सकते हो, और प्लस ओनर्स आर गोइंग टू बेनिफिट यू इन स्पेशल वेज एज वेल। अलग अलग तरह से आपको बेनिफिट देने को तैयार होंगे। रीजन इज क्योंकि हर महीने एम्प्लॉय बदलना किसी भी जगह के लिए इट इज नॉट फिजिबल, किसी भी ओनर के लिए फिजिबल नहीं होता, दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन दैट वे एज वेल। तो जितनी रिमोट लोकेशन है उस पर जॉब करने तब जा सकते हो, क्योंकि बस में आप 3 घंटे का ट्रैवल एक साइड का नहीं कर सकते। सो व्हाट यू नीड टू डू इन दैट केस, कार इज गोइंग टू हेल्प यू वहां तक पहुंचने के लिए। कार का आने जाने का पैसा भी मिल जाएगा, ओनर दे देंगे इन केस दे रियली रिक्वायर हो, और आप उनका बिजनेस संभाल लोगे तो कल को आपको पीआर वगैरह में भी हेल्प हो जाएगी। और ऐसी जो कम्युनिटीज होती हैं, स्मॉल कम्युनिटीज होती हैं, स्मॉल प्लेसेस होते हैं, वहां पे पीआर की स्पेशल स्कीम्स भी होती हैं, चाहे वो रूरल प्रोग्राम्स के थ्रू हो या स्पेशल प्रोग्राम्स के थ्रू हो, आपको वहां पे अलग अलग तरह की स्कीम्स भी मिलेंगी। एंड यू मे स्टार्ट लाइकिंग द प्लेस एज वेल, आप वहां धीरे धीरे सेटल होने लग जाए, वहीं से पीआर हो रही है, वहीं जॉब चल रही है बढ़िया आपकी, और वहीं पे आपको घर की फैसिलिटी भी मिल गई, घर भी कम है, कम कॉस्ट में मिल रहा है, तो सब कुछ आपका सेटल है, तो हो सकता है आप वहां भी सेटल हो जाए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट इज वन ग्रेट थिंग हैविंग ए कार, अगर आप ले सकते हो तो यू शुड हैव इट। नाइन्थ पॉइंट इज लोकेशन अवे फ्रॉम योर बिग सिटीज। तो ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ कि कार है, कार नहीं भी है तो ट्राई टू फाइंड आउट द जॉब आउटसाइड द सिटी, थोड़ा सा भी बाहर जाके जॉब सर्च करने की कोशिश करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज जहां पे बच्चे यूजली नहीं पहुंच पाते हैं। तो दिस इज वन ग्रेट थिंग यू कैन डू, ट्राई टू फाइंड आउट जॉब आउटसाइड योर सिटी। इसमें एक और चीज आप ध्यान में रख सकते हैं, दैट इज व्हाट इज द लोकेशन ऑफ योर स्टे। अगर आप बहुत सारी सिटीज में है, जैसे जीटीए में है, तो सेंट्रल लोकेशन पे अगर आप रहेंगे, नॉर्थ यॉर्क वगैरह के आसपास अगर रहेंगे, इन दैट केस यू विल बी एबल टू फाइंड आउट जॉब्स एनीवेयर। तो स्कारबरो वाली साइड भी जा सकते हैं, ब्रैम्पटन वाली साइड भी जा सकते हैं, हर तरह पे जॉब एक्सप्लोर कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप कॉर्नर में रहेंगे, सपोज आप ब्रैम्पटन की साइड रहते हैं, तो स्कारब्रो जॉब करने या ढूंढने जाना आपके लिए फिजिबल नहीं है। तो ट्राई टू स्टे इन द सेंट्रल लोकेशन ऑफ द सिटी, अगर सिटी में ही रह रहे हैं तो, ताकि आप हर जगह पे जा सकें, जितना ज्यादा रेडियस कवर कर सके जॉब सर्च करने के लिए और जॉब पर जाने के लिए, इट विल बी ग्रेट फॉर यू, इट इज गोइंग टू हेल्प यू। 10th पॉइंट इज ट्राई टू फाइंड आउट एज मेनी ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स एज पॉसिबल, जितने ज्यादा ज्वाइन कर सकते हो कैनेडा आने से पहले ही, जितने ज्यादा ग्रुप्स में आप हो सकते हो, ट्राई टू सीक हेल्प देयर, ट्राई टू फाइंड आउट लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, पहले से ही अपने ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो। फेसबुक पे ऑलरेडी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिन ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, इंडियन कम्युनिटी इन वैंकूवर, इंडियन कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी, गुजराती कम्युनिटी, हर तरह की कम्युनिटी, इंडियंस इन कैनेडा, ऐसे ऐसे दुनिया जहान के ग्रुप्स हैं, सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो। एंड इन दोज ग्रुप्स यू कैन कीप पोस्टिंग योर क्वेरीज, पूछ सकते हो कि मुझे क्या प्रिपेयर करना है, एंड समवन इज गोइंग टू रिप्लाई यू इन कमेंट्स। तो बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं, कुछ एक्टिव हो सकते हैं, कुछ इनएक्टिव हो सकते हैं, जहां आपको सपोर्ट मिल रही है उन उन ग्रुप्स को शॉर्टलिस्ट करो और उन ग्रुप्स के अंदर अपने क्वेश्चन पूछो। वहां कोई ना कोई मिल भी जाएगा जो आपको जॉब पोस्ट करता हुआ मिलेगा, जॉब दे भी देगा, मिलने के लिए भी बुला लेगा, या आपको पिक करने भी आ सकते हैं लोग। तो यू कैन फाइंड आउट रैंडम पीपल टू हेल्प यू। तो जितने भी फेसबुक पे ग्रुप हो सकते हैं ज्वाइन करने की कोशिश करो। ऐसे ही ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट्सएप ग्रुप्स एज वेल, व्हाट्सएप ग्रुप्स के भी लिंक फ्लोट होते हैं। जैसे कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाता हूँ, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं, मैकीवन का अलग ग्रुप है, अलगोमा का अलग अलग ग्रुप है, जनवरी इनटेक का अलग ग्रुप है, जॉब्स के लिए भी मैंने 3 ग्रुप्स बनाए हैं अलग अलग जगह के, एक एडमिंटन का ग्रुप है, एक सरी का या वैंकूवर का ग्रुप है, एक जीटीए का ग्रुप है, मैंने वो वाले ग्रुप्स भी बनाए हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू ज्वाइन एज मेनी ग्रुप्स, और वहां पर जो भी चीजें आ रही हैं, किस तरह की जॉब्स की पोस्टिंग ज्यादा आ रही है, या कोई पोस्ट कर भी रहा है नहीं कर रहा है, या आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस देयर। जितने ग्रुप्स में हो सकते हो उतने ग्रुप्स में रहो और एक्टिव रहो। ये जितने एक्टिव रहोगे उतना ही आपको हेल्प होगा, पहले से आप प्रिपेयर्ड होंगे हर चीज के लिए। अगर आप ग्रुप्स में नहीं होंगे, यहाँ के ग्रुप्स में ऐड होने की कोशिश करोगे, वो प्रोसेस आपका डिले हो गया और फिर आपका इनिशियल फेज वो ज्यादा स्ट्रगल वाला हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम होगी। 11th पॉइंट इज वॉच एटलीस्ट 100 वीडियोज अबाउट द सिटी। अब ये हर जगह पे एप्लीकेबल है, एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क रख लो इसको किसी भी चीज के लिए। जैसे मैं मॉन्ट्रियल जा रहा था, तो मैंने 100, 200, 300 जितनी वीडियोस अवेलेबल थी ना, जितने लोग वीडियोस बना रहे थे, सबकी, पारुल की और सबकी वीडियोस देखी थी मॉन्ट्रियल के बारे में, कैनेडा की, मॉन्ट्रियल के बारे में, इतनी वीडियोस देख ली थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था जिस दिन मैं लैंड हुआ था कि मैं एक अजनबी जगह पे लैंड हुआ हूँ। ऐसे लग रहा था कि ये सब कुछ मैंने देखा हुआ है, ऐसा ऐसा फील हो रहा था मुझे। इतनी वीडियोस देख लो, डोंट स्पेंड टाइम ऑन रील्स, वो 30-30 सेकंड वाले रील्स की बजाय अगर आप वीडियोस देखोगे, इट इज गोइंग टू गिव यू सो मच ऑफ इनसाइट। तो जितना टाइम वीडियोस पे स्पेंड करोगे, इट इज गोइंग टू हेल्प यू। अगेन, चाहे किसी चीज की रिसर्च भी करते हो, कुछ भी करते हो, चाहे कनाडा स्टडी वीजा एप्लीकेशन के बारे में कोई व्यूज बना रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, कुछ भी है, मेरी वीडियोस भी देखते हो, तो मैं वीडियोस पे ज्यादा स्ट्रेच करता हूँ रादर देन शॉर्ट वीडियोज, या रादर देन शॉर्ट वीडियोज में भी मैं छोटे छोटे आंसर्स करता हूँ, बट लॉन्ग वीडियोज में सब कुछ कवर हो जाता है। एंड लाइव सेशंस भी हैं, एक एक घंटे के, दो दो घंटे के लाइव सेशंस भी है मेरे, उसके अंदर तो सब कुछ ही कवर हो जाता है, जितना जितने डाउट्स होते हैं सारे डाउट्स कवर हो जाते हैं। सो ट्राई टू फाइंड आउट लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट जो यूट्यूब वीडियोस में होता है, वीडियोस या फिर पॉडकास्ट या फिर लाइव सेशंस, जो मेरे जैसे मेरे लाइव सेशंस होते हैं, उसके अंदर यू आर गोइंग टू फाइंड फुल इन्फॉर्मेशन। तो अगर किसी सिटी में भी जा रहे हो, तो ट्राई टू फाइंड आउट वीडियोस जो फुल वीडियोस हैं उस पर्टिकुलर सिटी के बारे में, ताकि आपको क्लियर आइडिया हो कि जहां आप जा रहे हो वो सिटी का सिस्टम क्या है, उस सिटी का एनवायरनमेंट कैसा है, सपोर्ट कैसी है, उसके अंदर जॉब भी आ जाएगा, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी है, उसमें सब कुछ, कितना मिनिमम वेज आता है, कौन से ग्रोसरी स्टोर्स हैं, कहाँ से क्या परचेज करना है, सब कुछ आपके स्ट्रगल बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास क्लैरिटी होगी, इन्फॉर्मेशन होगी कि आपको क्या चीजें कैसे करनी है, तो आपका प्लान बड़ी जल्दी सेट हो जाएगा। 12th पॉइंट इज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग आफ्टर 12th, जो 12th के बाद बच्चे आते हैं, उनकी बॉडी ऐसी शेप में नहीं होती है, या इतनी दे आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग टू डू फिजिकल वर्क, उनके लिए ज्यादा स्ट्रगल होता है। तो उनको स्ट्रगल क्यों होता है, क्योंकि एज क्या होती है, 18-19 की एज होती है, अभी तक बॉडी फुल डेवलप नहीं हो जाती है। मैंने मिला हूं यहाँ बच्चों से, और मिलके ही समझ आया कि ये प्रॉब्लम है, कि वो लोग फैक्ट्री में बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाते, मतलब कुछ केसेस में ऐसा स्ट्रगल होता है। तो उस एज में आने में 23-24, जब आप फुली किसी भी तरह का जॉब करने के लिए रेडी होते हो, स्ट्रांग होते हो, तो वो शायद हर बच्चे के लिए साथ ना हो जो 12th के बाद आ रहा है, और दे स्ट्रगल अलोट, क्योंकि उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं। उस केस में स्मार्ट काम करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आप स्ट्रगल ना करें। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, दिमाग वाले काम तो कर सकते हैं ना, दिमाग वाले काम के अंदर
अब कुछ तो करेंगे, मतलब या तो हाथ पैर चलेंगे या दिमाग चलेगा, तो दिमाग वाले काम भी हो सकते हैं। दिमाग वाले काम के अंदर आपके फ्रेंड्स हैं जो जिनको असाइनमेंट्स करना है, उनको जॉब मिल गई है, वो टैक्सी चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, आपको लगता है कि यू आर गुड इन डूइंग असाइनमेंट्स, उनकी असाइनमेंट्स करना शुरू कर दो। इफ यू आर चार्जिंग 50-60 डॉलर पर असाइनमेंट, और अगर आप ऐसी 3-4-5 असाइनमेंट करते हो एक वीक के अंदर, यू आर गुड टू गो, डन। अपनी असाइनमेंट कर रहे हो, चेंज करके उनकी भी असाइनमेंट्स कर रहे हो, तो असाइनमेंट्स है। मार्केटिंग का काम कर सकते हो, बैंकिंग की जॉब है, कैशियर्स वाली जॉब है, इसमें कुछ में फिजिकल वर्क ज्यादा नहीं है, बैंकिंग में भी जॉब लग जाती है। देन वेयर हाउस में आप जॉब नहीं कर सकते, वेयर हाउस के अंदर ऐसे भी हैं जिनको काम अकाउंटेंट वाला काम काम होता है, या फिर रिकॉर्ड रखने वाला काम होता है, तो ऐसे वाले काम भी कर सकते हो, तो दोस आर ऑल्सो गुड फॉर यू। मार्केटिंग मैंने बता दी, असाइनमेंट बता दी, आईटी नेटवर्किंग सीख के आ जाओ, बेसिक बेसिक नेटवर्किंग, जहां बस आंसर देके सिर्फ एक बार एंटर होना है जॉब के अंदर। आईटी नेटवर्किंग की जॉब्स होती हैं जो कि स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर, और ऑन कैंपस जॉब्स भी होती हैं, तो उस जॉब्स के अंदर भी आपको एंट्री मिल सकती है। तो दिमाग वाली चीज सीख के आ जाओ, अगर पता है कि फिजिकली स्ट्रगल नहीं कर सकते और नहीं करना चाहते, तो दिमाग से, तो या तो पैसा हाथ पैर चला के मिलेगा, दिमाग चला के मिलेगा, तो दिमाग चलाने वाले स्किल तो सीख के आ जाओ, तो आईटी से रिलेटेड स्किल सीख के आ जाओ। आईटी नेटवर्किंग एक ऐसी स्किल है जिसमें पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है, ऑन कैंपस जॉब भी मिल सकती है, बहुत लोगों ने की है, मेरे सर्कल में की है। और कोर्स कुछ भी नहीं होता है, 1 महीने के अंदर कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, कोर्सेरा पे ही कोर्स कंप्लीट कर लो और वही अपने सीवी के अंदर डाल दो और उसी के जाके इंटरव्यू दे दो, इंटरव्यू के क्वेश्चन आने चाहिए, दैट्स इट। और बहुत सारी जॉब होती है जिसके अंदर एक्चुअली आईटी नेटवर्किंग का कुछ करना भी नहीं होता, आप तो असिस्टेंट होते हो, लोगों का ये यूजर आईडी पासवर्ड सेट करना, बस ऐसे ऐसे तरह के काम होते हैं जो कि आप कॉलेज कैंपस के अंदर कर सकते हो, और यू कैन गेट जॉब एज वेल, दिस इज रियली गुड ऑप्शन। ये स्किल सीख के आ जाओगे, तो अगर हाथ पैर लगता है कि हाथ पैर चला के जॉब नहीं होगी हमसे, तो फिर दिमाग वाली स्किल लेके आना और दिमाग वाली जॉब करने स्टार्ट कर दो। असाइनमेंट है उसमें से बता दिया, ड्राइविंग है उसके अंदर वो बता दिया आपको, बैंकिंग में जा सकते हो, उसके अलावा आईटी वाली मैंने बता दी, आईटी नेटवर्किंग वाली जॉब्स जो ऑन कैंपस भी हो सकती है, तो बी रेडी फॉर दैट। 13th पॉइंट इज रिलेटेड टू ऑन कैंपस जॉब्स, अगेन मैं कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी, ऑन कैंपस जॉब्स बहुत सारी तरह की जॉब्स होती हैं। फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, जो डील करते हैं, जो आई कार्ड वगैरह देते हैं, इनिशियल वेलकम करते हैं, वो भी स्टूडेंट्स ही होते हैं, और इंटरनल नेटवर्किंग वगैरह मैं शेयर कर चुका हूँ, वो भी स्टूडेंट्स होते हैं। बहुत सारी जगह पे स्टूडेंट जॉब्स अवेलेबल होती है, सबके लिए नहीं है, सबको मिलेंगी भी नहीं, इतनी सारी जॉब्स भी नहीं होती, बट इफ यू आर द पार्ट ऑफ कम्युनिटी इन योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जहाँ एक्टिव हो, कल्चरल थिंग्स में भी एक्टिव हो, आप वहां जाके कनेक्ट होते हो, शुरू में जाके ही कनेक्ट हो जाते हो, तो अपना रास्ता बना लोगे, जैसे ही जॉब आएगी सबसे पहले आप ही को पता चलेगी, एंड दिस इज बैकडोर एंट्री, तो आपको वॉलंटियरिंग करनी पड़ेगी, उसी से ही एंट्री मिलने वाली है, तो ये अच्छा है बुरा है उसको उसके अंदर नहीं जाएंगे, बट दिस इज बैकडोर एंट्री, पहले अपना टाइम लगाना पड़ेगा अलग से, और फिर यू विल गेट जॉब एज वेल। ऑन कैंपस जॉब के आवर्स जो है वो काउंट नहीं होते हैं, आपको ऑन कैंपस जॉब जितनी भी मिल रही है वो 20 आवर्स के बियॉन्ड मिल रही है, चाहे आपको 40 घंटे मिले, चाहे 100 घंटे मिले, दैट इज नॉट काउंटेड इन योर 20 आवर्स जॉब। तो 20 आवर्स अलग कर सकते हो ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस आप कर सकते हो जितना भी आपको जॉब मिल रहा है वो कर सकते हो। 14th पॉइंट इज हेल्प अदर्स एज वेल, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जब आपको जॉब सीख कर रहे हो, जॉब सीख कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि दूसरे आपको हेल्प करें, आपको जॉब्स के बारे में बताएं, आपको जाके लगवा दें, आपको हर तरह से सपोर्ट करें या कुछ भी है, तब तो हमारे हमारे माइंडसेट ऐसा है, लेकिन जैसे ही हमारी जॉब लग जाती है उसके बाद हम वो ग्रुप छोड़ देना, ग्रुप्स के अंदर कोई पोस्ट नहीं डालना, अपने पास जॉब आ भी रही है या अपने पास कोई इन्फॉर्मेशन है उनको हेल्प नहीं करना, सो दिस दिस बिकम्स द नेचर, क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं होता और हमारा फेज भी निकल चुका है जिसमें हम स्ट्रगल कर रहे हैं या स्ट्रगलर्स के साथ हैं, हमें तो जॉब मिल गई जो चाहिए थी एंड नाउ वी आर सेटल्ड, अब हमें उन ग्रुप से क्या लेना देना। चाहे मोटिवेशन कुछ भी रखो, चाहे मनी को अपनी मोटिवेशन रखो, चाहे वॉलंटियरिंग नहीं करना चाहते तो बोलो कि जॉब है, जॉब दिलवाऊंगा, $200 लूंगा, चाहे मनी को मोटिवेशन रखो, लेकिन कीप हेल्पिंग अदर्स। अगर आप $200 लेके भी दूसरों को जॉब दिलवाते हो, उस तरह से भी सपोर्ट करते हो, स्टिल इट इज वर्थ, उसको 1200 की जगह $1000 मिल जाएंगे, यही होगा, लेकिन बच्चे को जॉब तो मिल गई, तो कीप पोस्टिंग, कीप डूइंग दिस थिंग्स। चाहे अगर आप मतलब ऐसा है कि कुछ लोग, पीपल आर रियली फ्रेंडली एंड रियली नाइस, कि आप बिल्कुल पैसे लेना नहीं चाहते, पैसे लेना भी गलत नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, अगर आप कुछ हेल्प कर रहे हो तो यू कैन चार्ज फॉर दैट एज वेल, कंसल्टेशन के लिए भी पीपल चार्ज एज वेल, तो आप चार्ज कर सकते हो, आप अनऑफिशियली बोल सकते हो भाई तेरा 1 मंथ कंप्लीट होगा, मुझे ये पैसे चाहिए इसके अंदर, ठीक है, और आप उसके अंदर सिस्टम बना सकते हो जैसे भी है, अगर वो भी मोटिवेशन है, स्टिल इट इज नॉट बैड, बट कीप हेल्पिंग पीपल। मोटिवेशन कुछ भी रखो, चाहे सोशल वर्क अपने मोटिवेशन रखो, चाहे मनी मोटिवेशन रखो, लेकिन कीप हेल्पिंग पीपल, क्योंकि अगर जो सीकर्स हैं उन तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंचेगी तो फिर
ग्रुप्स का या हर तरह का ये पर्पज ये डिफीट हो जाएगा। सो डोंट डू दैट। चाहे मोटिवेशन कुछ भी हो अपना, थोड़ा सा, क्योंकि आप भी उसी स्टेज से निकले हो, तो थोड़ा सा मतलब अपना मन अच्छा रखना, रखो आगे फ्यूचर में जब आप सेटल हो गए हो, तो ट्राई टू हेल्प पीपल जो नए आ रहे हैं, क्योंकि उनका वो फेज है जिसमें आप 1 साल पहले थे, जिसमें आप 6 महीने पहले थे। सो ऑलवेज ट्राई टू हैव दैट एटीट्यूड बिकॉज इट इज हाईली हाईली इंपॉर्टेंट। सो आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू, अगर यहाँ तक देख लिया है सो थैंक यू सो मच। आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू। बहुत सारे फैक्टर्स थे, बहुत सारी वीडियोज मैंने भी देखी थी यहाँ आने से पहले, और खुद भी ऑब्जर्व किए हैं, खुद अप्लाई भी किए हैं, तो जितना मैं डाल सकता था, जितने मेरे पास फैक्टर्स थे जो मैं लिख सका, मैंने वो सब चीजें यहाँ पे वीडियो में बताने की कोशिश की है। कुछ छूट भी गया हो तो यू कैन राइट दोस थिंग्स इन कमेंट। ऑल्सो मैंने ग्रुप्स बनाए हैं, सो आई कैन एड यू इन दोज ग्रुप्स एज वेल। आई विल ट्राई कि अगर मैं उनका लिंक आपको शेयर कर दूं, सो दैट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दोज ग्रुप्स एंड स्टार्ट सीकिंग हेल्प फॉर योर सेल्फ। अगर आप जॉब में स्ट्रगल कर रहे हो, जॉब नहीं मिल रही, अगर ऐसा कोई इशू है, देर आर ऑल टाइप ऑफ एक्सट्रीम पीपल अवेलेबल। हर तरह के लोग हैं जो बहुत मजे कर रहे हैं जॉब में, ऐसे वाले भी हैं जैसे जतिन है, बहुत मजे कर रहा है जॉब में, तो मजे इन द सेंस कि उसको आते ही जॉब मिल गई, दैट इज गुड। तो ऐसे भी लोग हैं जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हर तरह के एक्सट्रीम्स एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं। बट इफ यू आर ऑन द राइट ट्रैक यू विल गेट जॉब एज वेल। जॉब्स अवेलेबल हैं, आपको सही मेथड से जॉब अप्लाई करनी है और लेनी है, तो जॉब मिल जाएगी, जॉब का इशू नहीं है। मैंने जितने लोगों से बात की है, पीपल आर डूइंग गुड एंड यू कैन डू गुड एज वेल। ठीक है। ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई योर कनाडा स्टडी वीजा विद मी, इन दैट केस यू कैन शेयर योर प्रोफाइल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल्स विद मी ऑन व्हाट्सएप 9812380882। विल बी हैप्पी टू टेक केयर ऑफ योर केस एज वेल। ऑल्सो कॉम्प्लेक्सिटीज डोंट मैटर फॉर मी, कितना गैप है, कितनी एज है, कितना क्या एजुकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, नथिंग मैटर्स। आपको वीजा आ जाएगा, दैट इज माई गारंटी इफ यू आर विद मी। आप अगर आपने प्रोफाइल स्पॉइल नहीं किया अभी तक, अपनी लगा लगा के खराब नहीं कर ली है, रिफ्यूजल से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोफाइल खराब नहीं होनी चाहिए बस। प्रोफाइल खराब रिफ्यूजल से खराब नहीं होती है, उसमें गैप दिखा देने से और बहुत सारी चीजें अलग अलग ऐसी होती हैं जिससे प्रोफाइल खराब हो सकती है। अगर वो सब नहीं हुआ है, रिफ्यूजल कितने भी हैं डजंट मैटर, वी कैन गेट वीजा आफ्टर 10 12, इतना तो ले ही चुके हैं एट एज 51 एज वेल। सो डोंट वरी अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटीज जो नॉर्मली लोगों को कॉम्प्लेक्सिटीज लगती हैं, सो आई डोंट केयर अबाउट दोज कॉम्प्लेक्सिटीज, वो कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है। सो यू विल गेट वीजा इफ यू आर विद मी। सो इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर योर कनाडा स्टडी वीजा, शेयर योर प्रोफाइल एज सून एज पॉसिबल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।